लखनऊ के ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने सभी विभागों से कोऑर्डिनेट करके प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत वर्ष 2019 में ट्रैफिक को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि लखनऊ में जाम की समस्या नहीं रहेगी। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में स्मार्ट सिटी योजना के तहत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक व्यवस्था को लागू किया जाएगा, जिससे काफ़ी हद तक ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जा सकेगा। सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट है जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत प्रोजेक्ट टेकअप किया जा रहा है, जिसमें पूरे शहर में ट्रैफिक लाइट्स होंगी, उनके ऊपर स्मार्ट कैमराज होंगे, ऑटोमेटिक चालान की व्यवस्था होगी। वो सारी फैसिलिटी 2019 में ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। उसकी टेंडरिंग प्रोसेस या उसकी जो भी प्रोसीजरल प्रोसेस थे वो सारे गत वर्ष पूरे कर लिए गए हैं, और इस वर्ष उम्मीद है कि आने वाले 3-4 महीने में ये हकीकत में परिवर्तित होने लगेगा और 6 महीने में चालू भी हो जाएगा। इसके अलावा लखनऊ में जाम की समस्या आम लोगों के साथ साथ अधिकारियों के लिए भी सरदर्द बनी हुई है। जहां एक ओर जाम की समस्या से आए दिन लोगों को दुचार होना पड़ता है, वहीं अधिकारी भी तमाम प्रयासों के चलते जाम पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे में अगर अधिकारियों की बात करें तो उनका कहना है कि नए वर्ष 2019 में जाम से निजात पा ली जाएगी। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है। वहीं जाम से निजात दिलाने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है, जिसके ज़मीन पर उतरने पर लखनऊ जाम की समस्या से दूर हो जाएगा। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा, ईटीवी।